हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं भी एकदम से बिल्कुल बढ़िया हूँ। शिमला में होगी, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और सुबह शाम तो स्वेटर्स वगैरह पहन के रखनी ही पड़ती है। मैं तो मोटी स्वेटर पहनी है, गर्म स्वेटर, और वैसे भी इसमें भी मुझे ठंड लग रही है जबकि इतनी ठंड हो गई है। और आज तो वेदर कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और मैं काफ़ी टाइम बाद शूट कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। मेरे को आजकल बिल्कुल भी मन नहीं है वीडियोज़ वगैरह बनाने का, पता नहीं क्यों। और बस ऐसे ही करते हैं, कुछ काम वगैरह कर लेती हूँ घर का, ऐसे ही दिखाती हूँ आपको। और ये देखो मेरे बालों का क्या हाल हो गया है, इतने पतले बाल हो गए ना, और करो रिबॉन्डिंग। भाई फैशन से लड़कियाँ मानती नहीं है, फिर उनका ये हाल हो जाता है मेरी तरह, तो मेरा तो बुरा ही हाल हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक वार्डरोब हुआ करती थी पहले, इसके बाहर एक कपड़ा लगा था, वो मैंने रिमूव कर दिया है। और अब ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको डेकोरेशन के पर्पज़ से रखा है। इसमें मैंने कुछ टॉयज प्लांट्स वगैरह लगाए हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे बताना कैसा लग रहा है। और एक चीज़ और, जो मैंने पॉट्स मंगवाए थे वो ये देखिए, वो 10 पॉट्स ये मैंने यहाँ पे हैंग करने के लिए मंगवाए थे। छोटे हैं साइज़ में, बट मुझे तो बहुत क्यूट लगे, अच्छे लगे। और ये देखो मेरे प्लांट्स इसमें कितने अच्छे लग रहे हैं। और 4 तो इसमें से टूटे हुए आए थे पॉट्स, मैंने आपको बताया था, उनको मैंने रिटर्न कर दिया है। अब पता नहीं वो कब तक आएंगे, जब आएंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखें कितने सुंदर लग रहे हैं। आजा, तो गंदा फोन, चल कहाँ है तेरी प्लेट, रुक जा रुक जा रुक जा, प्लेट दे अपनी, दे रही हूँ। हेलो नहीं करती अब तू, है ना, हेलो नहीं करती तू अब। फ्रेंड्स, ये है मेरा मनी प्लांट, आप देख सकते हो इसकी क्या हालत हो गई है। एक्चुअली मैंने इसको बाहर धूप में रखा था, ये सोच के कि इसको थोड़ी सनलाइट मिलेगी, और जब मैं इसको अंदर लाई तो 2-3 दिन बाद ना इसकी पत्तियों का ये हाल हो गया, पूरे जल चुके हैं इसके पत्तियाँ। यार क्या यार, मेरा पूरा प्लांट ख़राब हो गया। और ये देखो फ्रेंड्स, ये दिवाली से लेकर मैंने ये कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, क्या सोच के मैंने ये कबाड़ इकट्ठा करा है। सोचा था इसका कुछ DIY करूँगी, और ये देखो इतने सारे डिब्बे मैंने यहाँ पे इतना कबाड़ रखा है ना, जब से दिवाली ख़त्म हो गई है ये छुपा छुपा के रखा है सिर्फ DIY करने के लिए। तो आज तो बस मैं इनको ना फेंकने वाली हूँ, फालतू ये जो मैंने कबाड़ रखा है आज मैंने ये फेंक लेना है, मैंने इनका कोई DIY नहीं करना है। और यहाँ पे भी मैंने इतना मैसी कर रखा है ना, बहुत ज़्यादा। ये पूरा मेरा मेकअप वाला एरिया है, यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत मेकअप का सामान रहता है, कभी तो मेरा ऐसा मन करता है ना सारा का सारा सामान फेंक दूँ, इतना गुस्सा आता है मुझे। और ये देखो, ये जो मैं ये लाई थी डेकोरेशन के लिए ये प्लांट फेक, तो आज मैंने सोचा कि इस पर ना आज दूसरे वाले फूल लगा देती हूँ। ये वाले लगाए मैंने, ये पिंक वाले काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो देखिए आप मुझे बताओ कैसे लग रहे हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन बाद में मैंने क्या किया, मैंने दोनों ही मिक्स करके दोनों लगा दिए। और ये वाले प्लांट्स भी लाई हूँ मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल, इसको बस सजाने के लिए यहाँ पे लाई हूँ। और ये है मेरा बैम्बू प्लांट, आजकल पता नहीं इनकी पत्तियाँ ना क्यों येलोइश सी हो रही है, आई थिंक सर्दियों में होती होगी। तो नीचे का ये जो पूरा ये इसकी टहनी है ये भी ख़राब हो गई है, तो मैंने क्या किया इसको ना कटिंग कर लिया है, जो इसका ख़राब वाला पार्ट था उसको फेंक दिया है। और यहाँ पे भी मैंने ड्राइंग रूम में रखा है ये बैम्बू ट्री, काफ़ी अच्छा होता है। इसकी पत्तियाँ भी कुछ कुछ येलोइश सी हो रही थी, तो जो मैं बेकार पत्तियाँ थी ना उनको मैंने कटिंग करके अलग कर दिया है। आप मुझे बताना कि किस रीज़न की वजह से ये पत्तियाँ येलो हो जाती हैं आजकल, मुझे तो लग रहा है ठंड की वजह से, या फिर पानी तो मैं डेली चेंज करती ही हूँ। तो दोस्तों, मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ, तो अभी काम वगैरह सारे निपटा दिए हैं। अब मैंने सोचा कि चाय वगैरह पी लूँ, आजकल ना काफ़ी सुस्ती हो रही है, आँखें ना थकावट थकावट भरी लग रही है, पता नहीं क्यों, नींद पूरी भी हो रही है फिर पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलो चाय वगैरह बनाते हैं, उसके बाद थोड़ा ना अभी मैं वॉक करने चले जाऊँगी, इवनिंग वॉक,
एक तो घर पे बैठ बैठ के ना ये हाल होता ही है घर पे बैठने की वजह से। तो चलिए चाय जो बना लेती हूँ, थोड़ा ना मुझे शायद से आंखें मेरी खुल जाए, मेरे को ना काफ़ी नींद आ रही है। तो मैंने अपने लिए चाय बना दी है, कड़क चाय अदरक वाली। अब जाके ना इतना अच्छा फील हो रहा है ना, रिलैक्स सा, आँखें भी अब जाके खुली है मेरी, मतलब वरना तो ऐसे लग रहा था नींद नींद सी लग रही थी। और साथ में मैं थोड़ी सी ये नमकीन खा रही हूँ, खाली चाय में से पी नहीं जाती हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अभी थोड़ा टहलने, चाय वगैरह पी के फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। अभी ऊपर आई हूँ टेरेस पे थोड़ा वॉक करने, और काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है, थोड़ा हल्की हल्की ठंड है। मॉर्निंग और इवनिंग में तो काफ़ी ठंड हो गई है। और ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा विकास नगर आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो सामने वाली चोटी आपको दिखाई दे रही है काफ़ी दूर, वो तारा देवी चोटी है, यहाँ का जो प्रसिद्ध टेम्पल है तारा देवी मंदिर। तो चलो थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। छोटू क्यों बैठे हो आप क्यों बैठे हो यहाँ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हाथ हंसते गिरना मत। भाई हाँ शाबाश, आ जाओ आराम से। तुम भी वही डरते नहीं हो बच्चों है। तो फ्रेंड्स ये देखो मेरी गलगल का पेड़, इस बार इतनी ज़्यादा गलगल इसमें लगे हैं ना, बहुत ज़्यादा गलगल लगे हैं, लास्ट ईयर तो थोड़े भी नहीं लगे थे। और ये देखो बिल्कुल पक चुके हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं ना, जल्दी मैं इसका ना आपको खट्टा बना के दिखाऊंगी। फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी ही, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय दोस्तों।